मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सहारनपुर पहुंचे। सीएम के मंच पर पहुंचते ही पूरा पंडाल योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने पहले हाथ जोड़कर फिर हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। गंगोह के नवीन मंडी स्थल पर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय से अपना संबोधन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगवाए। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़कर विकसित भारत के सपने को पूरा कर रहा है। दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस विकास की गति को जारी रखना है। सहारनपुर पर माँ गंगा और यमुना की कृपा है, यहाँ का किसान और हस्तशिल्प और कारीगरी दूर तक मशहूर है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सहारनपुर आता हूं तो सहारनपुर में अब विकास हो रहा है, अब दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, भय और दहशत भी नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास की धारा के साथ जुड़ करके विकसित भारत की तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए एक विकसित सहारनपुर बनाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है। दिल्ली शामली सहारनपुर का जो हाईवे है या दिल्ली से देहरादून के बीच ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है वह इस विकास की धुरी बनने जा रही है। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे इस सहारनपुर में? मां गंगा और मां यमुना की कृपा थी, असीम कृपा। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, यहां का मेहनती किसान, जिन अन्नदाता किसानों और जिन यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की कारीगरी के सामने दुनिया फेल थी, जिन अन्नदाता किसानों को स्वतंत्र भारत में पहली बार सम्मान देने का काम किया था, इसी माटी के लाल किसान नो के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने, मुझे याद है 2016 में जब सिख विरोधी दंगे हुए थे यहां पर, आपने देखा नहीं इससे पहले क्या होता था, किस प्रकार की अराजकता फैलती थी। जब कावड़ यात्रा में सहारनपुर की थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 18 किलो 924 ग्राम चांदी बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 16,15,000 बताई जा रही है, जिसके संबंध में उक्त व्यक्ति प्रणव जैन पुत्र अभय जैन द्वारा कोई संतोषजनक जवाब व साक्ष्य पेश नहीं किया जा सका। उक्त बरामद चांदी व गाड़ी के संबंध में एफएसटी टीम व आयकर विभाग को सूचित किया गया, जिनके द्वारा चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उपरोक्त चांदी को जब्त कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। देवबंद के पूर्व चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी ने साथियों के साथ माजिद अली को दिया समर्थन। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के पहले चरण का समय करीब आ रहा है, सभी सियासी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में माजिद अली पूर्व चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी के निवास पर उनसे मिलने पहुंचे और जियाउद्दीन अंसारी ने अपनी पूरी टीम के साथ माजिद अली को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। वरिष्ठ बसपा नेता जमाल अंसारी ने कहा कि माजिद अली को चुनाव लड़ाने का उनका यही मकसद है, सभी बदलाव चाहते हैं। देखिए, चुनाव बहुत ही करीब आ चुका है और जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है और कहने की और सुनने की तो कोई बात ही नहीं है। हमें सिर्फ एक होकर माजिद भाई को जिताना है, क्योंकि एक माजिद भाई बसपा प्रत्याशी ऐसे हैं जो भाजपा का मुकाबला डटकर कर रहे हैं, और अगर हमारे मुस्लिम भाई और हमारे जो दलित भाई हैं
ये एक होकर माजिद भाई को वोट करेंगे, तो कोई ताकत ऐसी नहीं है कि जो माजिद भाई को जीतने से रोक दे। इमरान मसूद कहते हैं कि बसपा में फाइट मिलेंगे, मैं और भाजपा फाइट मिलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अपनों का दोष दूसरों पर मनना, ये बात उन पर लागू होती है, वो कहीं भी फाइट में नहीं है। आप उनके पिछले दो इलेक्शन देख लीजिए, 2014 में जो हुआ था, पूरे मुस्लिम समाज ने सहारनपुर ज़िले में हमारे जो इमरान मसूद साहब है उन्हें वोट किया था, वो तब नहीं जीत पाए। पिछले इलेक्शन में भी उन्हें 2 लाख के आसपास वोट मिले थे, वो सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं ताकि बीजेपी जीते। जीत का कितना अंतर मान लो? जीत का मेरे हिसाब से 1 लाख से 2 लाख के बीच में माजिद भाई चुनाव जीतने जा रहे हैं।